दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आज भी निवास करते हैं। हिंदू धर्म में देवी देवता सिर्फ पौराणिक कथाओं के पात्र नहीं थे, बल्कि वे ऐसी शक्तियां थे जो पृथ्वी पर अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर मौजूद थी, और उनमें से कई शक्तियां तो आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं, बस वे किसी को नजर नहीं आती। लेकिन इस धरती पर आज भी एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से विज्ञान को चुनौती दे रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धरती का सबसे रहस्यमय पर्वत कैलाश पर्वत, जहाँ स्वयं भगवान शिव के मौजूद होने का एहसास आज भी होता रहता है। इस जन्म में भगवान शिव के दर्शन हो ना हो, लेकिन उनके निवास स्थान का दर्शन मनुष्य के भाग में जरूर लिखा है। दोस्तों, यही कारण है कि आज तक कोई भी पर्वत आरोही कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पर्वत पर कई पर्वत आरोही चढ़ चुके हैं, मगर कैलाश पर्वत जो कि माउंट एवरेस्ट से ऊंचाई में कम है, लेकिन आज तक वहां पर कोई भी चढ़ नहीं पाया। तो भला ऐसा क्या है कैलाश पर्वत पर? दुनिया की सारी अलौकिक शक्तियों का जन्म इस कैलाश पर्वत से ही शुरू होता है। हिमालय की गोद में बसा ये पर्वत भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ना हो, लेकिन इसकी भव्यता इसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि इसके आकार में है। शिवलिंग के आकार का ये पर्वत खुद में ही एक मंदिर है। इस पर्वत की महानता इसी बात से हो जाती है कि आज तक कोई भी मनुष्य इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है, और जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया उसे मृत्यु ही प्राप्त हुई है। जब बर्फ से ढके इस पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब ये पर्वत सोने की तरह चमक उठता है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कैलाश पर्वत ही सत्य है, सत्य ही शिव है। धरती के स्थान पर हवाओं की ध्वनि की तरंगे का कुछ अलग ही तरह का मिलन होता है। यहाँ पर आए हुए भक्तों को ओम की ध्वनि सुनाई देती है। धरती की एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। इन दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत, जो हजारों लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान भी है और रहस्यमय स्थान भी है। पश्चिमी तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत सतह से करीब 22,000 फीट ऊंचा है। अमरनाथ यात्रा को जाते समय रास्ते में इस पर्वत के दर्शन होते हैं। दोस्तों, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही नहीं बल्कि तीन और धर्मों के लिए भी काफी पवित्र जगह है। यह पर्वत दुनिया के चार प्रमुख धर्म को जोड़े रखता है। दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र यानी के एक्सिस माना गया है। इस पर्वत पर दिशा सूचक यानी के कंपास भी काम करना बंद कर देता है, और बहुत से लोग और शोधकर्ताओं द्वारा बताया जाता है कि कैलाश पर्वत पर ही चारों दिशाओं का मिलन होता है। यह पर्वत इस धरती के सभी जीव जंतुओं को जीवित रखने के लिए वातावरण को बनाए रखता है, और शायद इसीलिए इस जगह को प्राकृतिक शक्तियों का भंडार भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इस पर आज तक हजारों लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यही है कि माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी चढ़ नहीं पाया है। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑक्सीजन की कमी की। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट को अब तक 4,000 से भी ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं। दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई मात्र 6,648 मीटर ही है, मतलब माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम। इसके बावजूद भी आज तक कोई भी इसके शिखर तक पहुंच नहीं पाया है। माउंट एवरेस्ट के मुताबिक बेहतर ऑक्सीजन लेवल होने के बावजूद भी लोग इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाते। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते समय एक खास सीमा के बाद ऐसी घटनाएं होने लगती हैं कि मानव ये पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा है। ठंड अचानक बढ़ जाती है, मौसम भी बदलने लगता है। ऐसे में जिसने भी इस चेतावनी को अनसुना किया है वह इस पर्वत से वापस नहीं लौटता। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है, और बगैर उनकी आज्ञा के कोई उनके स्थान पर आ नहीं सकता। ऐसा वह होने नहीं देते, यानी कि कैलाश पर्वत चढ़ाई करना असंभव है। परंतु तिब्बत के लोगों का कहना है कि 11वीं सदी में तिब्बत बौद्ध योगी मिर्पा ने इस पर्वत पर चढ़ाई की थी और वह सफल भी रहे थे, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उन लोगों के पास कोई भी प्रमाण नहीं है।
कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क करते हैं। इस कैलाश पर्वत से जुड़ी काफी दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। उन्हीं कथाओं की सच्चाई का पता लगाने के लिए 1999 में रूस के आइस स्पेशलिस्ट ऑस्टिन मुद्दा सेब ने कैलाश पर्वत के रहस्य का खोज करने के लिए एक टीम बनाई और इस पर्वत का कई दिनों के अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी किताब में बताते हुए दावा किया कि कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा तैयार की गई पिरामिड जैसी लगती है और कैलाश पर्वत की ये चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी इंसान या फिर किसी अन्य शक्ति द्वारा बनाई गई है। इस जगह पर अजीब अजीब तरह की रेडिएशन होने के कारण इसे पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी माना जा सकता है। उनके द्वारा बताए गए दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन डॉक्टर ऑस्टिन सेब ने जिस आदमी का शक्ति द्वारा कैलाश पर्वत को बनाए जाने की बात कही है वह शायद भगवान शिव ही थे। अगर हम भी कैलाश पर्वत को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बात काफी सही साबित होती है कि शायद इसीलिए इस पर्वत का दौरा करने वाले लोगों ने दावा किया है कि वहाँ समय काफी तेजी से गुजरता है। नाखून और बालों की वृद्धि को सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है, लेकिन ऐसा वहाँ केवल 24 घंटों में ही हो जाता है। इन पहाड़ों के बीच की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रतिक्रिया में मदद करती है। ऐसा ही जब रशिया के एक पर्वत आरोही सरजी सिया को जब कैलाश पर्वत के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो उनका दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगा और उन्हें अचानक कमजोरी महसूस होने लगी थी, जिसके बाद उन्हें ख्याल आने लगा कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जैसे ही वे नीचे आते गए उनका स्वास्थ्य ठीक होता गया। 2001 में आखिरी बार स्पेनिश टीम के लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, तब उस समय पूरी दुनिया भर के लोगों के दबाव के कारण उन्हें अपनी खोज रोकनी पड़ी और उस दिन के बाद से वहां की गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी। कैलाश पर्वत के आकार और रहस्य को लेकर अक्सर बहुत सी बातें होती रहती हैं, लेकिन दोस्तों कुछ प्रश्नों के उत्तर इंसानों की बुद्धि से परे हैं। ऐसे में तो एक बात साफ नजर आती है कि हिमालय के पर्वतों के बीच शिवलिंग के आकार का पर्वत ही कैलाश पर्वत है और इस पर्वत को एक एंगल से देखने पर शिव जी का मुख जैसा दिखाई देता है। मेरा मानना यही है कि इस कैलाश पर्वत पर शिव जी नहीं बल्कि कैलाश पर्वत ही शिव जी हैं। तो दोस्तों अगर आप भी भगवान शिव पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।